हेलो बच्चियों, इस एपिसोड विच तुसी त्रिभुजां दी सरबंग समता लई कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सिद्धांत बारे सीखोगे। आओ शुरू करदे हां। विद्यार्थी इन्हां बारे जरूर जानते होंगे। सरबंगसम आकृतियां दो आकृतियां नूं सरबंगसम कहा जांदा है। जेकर आकृतियां हरेक टंग नाल समान होण जां आकृतियां जिन्हां दी बनतर अते आकार दोने समान हुंदे हन सरबंगसम त्रिभुजां। जेकर एक त्रिभुज दियां भुजावां अते कोण दूजी त्रिभुज दियां भुजावां अते कोणां दे समान होण तां इह दोने त्रिभुजां सरबंगसम हुंदियां हन। कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सरबंग समता सिद्धांत। आओ हुण त्रिभुजां दी सरबंग समता लई कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सरबंग समता सिद्धांत बारे जानते हाँ। इस अनुसार जेकर एक त्रिभुज ते दो कोण अते उन्हां विचकारली भुजा दूजी त्रिभुज ते दो कोणा अते उन्हां विचकारली भुजा दे बराबर होवे तां इह त्रिभुजां सरबंगसम हुंदियां हन। उदाहरण लई इथे स्क्रीन ते दो त्रिभुजां त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज डी ई एफ दर्शाईयां गईयां हन। जेकर त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज डी ई एफ विच कोण ए कोण डी दे बराबर होवे भुजा ए बी भुजा डी ई दे बराबर होवे अते कोण बी कोण ई दे बराबर होवे तां कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सरबंगसमता सिद्धांत अनुसार असी कह सकते हाँ कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दे सरबंगसम होवेगी। इस नूं त्रिभुजां दी सरबंगसमता लई कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सरबंगसमता सिद्धांत कहा जाता है। जे एक त्रिभुज ते कोई दो कोण अते उन्हां दी अंतर्गत भुजा दूजी त्रिभुज ते दो कोणा अते उन्हां दी अंतर्गत भुजा दे बराबर होवे तां ओह त्रिभुजां सरबंगसम हुंदियां हन। आओ हुण इस नूं सिद्ध करदे हां। इथे मान लो त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज डी ई एफ तां इथे दिता है त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज डी ई एफ विच कोण बी कोण ई दे बराबर कोण सी कोण एफ दे बराबर अते भुजा बी सी भुजा ई एफ दे बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दे सरबंगसम है। सबूत इथे तीन स्थितियां संभव हन। पहली जदों भुजा ए बी भुजा डी ई दे बराबर होवे दूसरी जदों भुजा ए बी भुजा डी ई नालों छोटी होवे अते तीसरी जदों भुजा ए बी भुजा डी ई नालों वड्डी होवे। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭੁਜਾ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾ ਡੀ ਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਈ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਜਾ ਬੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭੁਜਾ ਈ ਐਫ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਡੀ ਈ ਐਫ ਦੇ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੈ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭੁਜਾ ਏ ਬੀ ਭੁਜਾ ਡੀ ਈ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਡੀ ਈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਜੀ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜੀ ਈ ਐਫ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਈ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਈ ਐਫ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜੀ ਈ ਐਫ ਦੇ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਣ ਜੀ ਐਫ ਈ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ।
परंतु इथे कोण सी बराबर है कोण एफ दे जो कि सानू दिता है ता इसलिए समीकरण एक तो असी प्राप्त करते हाँ कोण जी एफ ई बराबर कोण एफ जा कोण जी एफ ई बराबर कोण डी एफ ई दे पर ए उदों तक असंभव है जब तक एफ जी एफ टी दे नाल मिलना जावे पाव जी डी नाल संपाती हो जावे जा मिल जावे इसलिए इथे कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई होवेगा इस तरह त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दे सर्वांगसम होवेगी पुजा कोण पुजा सर्वांगसमता सिद्धांत राही तीसरी स्थिति विच जेकर पुजा ए बी पुजा डी ई नालों वड्डी होवे ता पुजा ए बी उत्ते असी एक अजिहा बिंदु एम ले सकते हाँ कि एम बी बराबर डी ई होवे अते फिर स्थिति दो दी तरह असी दिखा सकते हाँ कि एम ए नाल संपाती हो जावेगा भाव ए बी बराबर डी ई हो जावेगा अते फिर पुजा कोण पुजा सर्वांगसमता सिद्धांत राही त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दे सर्वांगसम हो जावेगी इसलिए इन्हां सारियां तीनां स्थितियां विच त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ दे सर्वांगसम है तां इत्थे असीं कह सकते हाँ जे त्रिभुज ते कोई दो कोण अते उन्हां दी अंतर्गत भुजा दूजी त्रिभुज ते दो कोणां अते उन्हां दी अंतर्गत भुजा दे बराबर होवे तां ओह त्रिभुजां सर्वांगसम हुंदियां हन जो कि असीं सिद्ध करना सी हुण तक तुसीं त्रिभुजां दी सर्वांगसमता लई कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सिद्धांत बारे सिख्या है आओ हुण इस ते आधारित कुछ उदाहरणां नूं हल करिए आओ हुण एक उदाहरण वेखिए तिते क्षेत्र विच ए डी ए बी ते लंब है अते बी सी वी ए बी ते लंब है अते ए डी बी सी दे बराबर है तां सिद्ध करो कि सी डी ए बी नूं सम तों भाजित करदा है दिता है ए डी ए बी ते लंब है अते बी सी ए डी ते लंब है अते ए डी बराबर है बी सी दे सिद्ध करना सी डी ए बी नू समद्विभाजित करता है सबूत क्योंकि ए डी ए बी ते लंब है जो कि सानू दिता है ता इस तों भाव कोण ओ ए डी बराबर होवेगा 90 डिग्री दे इसी तरह बी सी वी ए बी ते लंब है जो कि सानू दिता है ता इस तों पाव कोण ओ बी सी बराबर होवेगा 90 डिग्री दे हुण इत्थे कोण ए ओ डी बराबर होवेगा कोण बी ओ सी दे क्योंकि ए शिखर सन्मुख कोण हन हुन त्रिभुज ओ ए डी अते त्रिभुज ओ बी सी विच कोण
ओ ए डी बराबर है कोण ओ बी सी दे, क्योंकि दोवें ही 90 डिग्री दे कोण हैं। ए डी बराबर है बी सी दे, जो कि सानू देता है 90 कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी दे, क्योंकि ए शिखर सन्मुख कोण हन ता इस तों भाव त्रिभुज ओ ए डी त्रिभुज ओ बी सी दे सर्बांग सम होवेगी। कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सर्बांग समता सिद्धांत राही कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सर्बांग समता सिद्धांत राही इथे त्रिभुज ओ ए डी त्रिभुज ओ बी सी दे सर्बांग सम होवेगी। ता इस तों भाव ओ ए बराबर होवेगा ओ बी दे, क्योंकि असी जानते हाँ कि सर्बांग सम त्रिभुजां दे संगत भाग बराबर होंदे हन अते इस नूं सी पी सी टी नाल दर्शाउंदे हां। ता इथे ओ ए ओ बी दे बराबर है, ता इसलिए असी कह सकते हैं कि सी डी ए बी नू समदोपाजित करता है क्योंकि सी डी ए बी नू ओ उत्ते मिलता है अते ओ ए अते ओ बी बराबर हैं, जो कि असी सिद्ध कर चुके हाँ। ता इसलिए इथे असी कह सकते हाँ कि सी डी ए बी नू समदोपाजित करता है, जो कि असी सिद्ध करना सी। आओ हुण अगला उदाहरण वेखिए। दिते चित्र विच ए बी एक रेखाखंड है अते पी इस दा मध बिंदू है। डी अते ई ए बी दे इको पासे दो बिंदु इस तरह स्थित हैं कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई दे अते कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी दे। ता सिद्ध करो त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी दे सर्बांग सम है अते ए डी बी ई दे बराबर है। देता है ए बी एक रेखाखंड है अते पी इस दा मध बिंदु है। कोण बी ए टी बराबर है कोण ए बी ई दे अते कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी दे। सिद्ध करना, पहला सिद्ध करो त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी दे सर्बांग सम है अते सिद्ध करो ए डी बी ई दे बराबर है। सबूत, क्योंकि पी ए बी दा मध बिंदु है
ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀ ਪੀ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਣ ਬੀ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਏ ਪੀ ਈ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਬੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਬੀ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਏ ਬੀ ਈ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਣ ਪੀ ਬੀ ਈ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਣ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਬੀ ਏ ਡੀ ਅਤੇ ਕੋਣ ਪੀ ਏ ਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਏ ਬੀ ਈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਪੀ ਬੀ ਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਣ ਬੀ ਏ ਡੀ ਕੋਣ ਏ ਬੀ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਣ ਪੀ ਏ ਡੀ ਕੋਣ ਪੀ ਬੀ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਬੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਡੀ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਬੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਡੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਬੀ ਅਤੇ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਡੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਡੀ ਪੀ ਏ ਕੋਣ ਈ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਈ ਬੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ ਪੀ ਬੀ ਈ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੀ ਬੀ ਦੇ,
क्योंकि सानू दिता है कि पी ए बी का मध बिंदु है, इसलिए ए पी पी बी दे बराबर होगा। अते कोण डी पी ए बराबर है कोण ई पी बी दे, भी असी उपर भाव पहला सिद्ध कर चुके हाँ। ता इस तों भाव त्रिभुज डी ए पी अते त्रिभुज ई बी पी विच इस दे दो कोण अते इना कोणा विचकार भुजा बराबर है, ता इसलिए इथे असी कह सकते हाँ कि त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी दे सर्बांगसम है, कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सर्बांगसमता सिद्धांत राही ता इथे त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी दे सर्बांगसम है, ता इस तों भाव ए डी बराबर होवेगा बी ई दे, क्योंकि असी जानते हाँ कि सर्बांगसम त्रिभुजा दे संगत भाग बराबर होंदे हन अते इस नू सी पी सी टी नाल दर्शाउंदे हाँ, ता इथे ए डी बराबर है बी ई दे, जो कि असी सिद्ध करना सी। हुण तक तुसी त्रिभुजां दी सर्बांगसमता लई कोण भुजा कोण भाव ए एस ए सिद्धांत ते आधारित कुछ उदाहरणां नू हल कीता है। आओ हुण इस ते आधारित कुछ होर उदाहरणां नू हल करिए। आओ हुण अगला उदाहरण वेखीए। ABC एक त्रिभुज है जिस विच BE अते CF क्रमवार भुजावां AC अते AB ते शिखर लंब हन। जेकर BE CF ते बराबर होवे तां सिद्ध करो कि त्रिभुज ABE त्रिभुज ACF ते सर्बांगसम है अते त्रिभुज ABC एक समद्विभुजी त्रिभुज है। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਈ ਏ ਸੀ 'ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਬੀ 'ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ ਈ ਸੀ ਐੱਫ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਈ AC ते लंब है अते CF AB ते लंब है, BE बराबर है CF ते, सिद्ध करना सिद्ध करो कि त्रिभुज ABE त्रिभुज ए सी एफ ते सर्बांगसम है अते त्रिभुज ए बी सी एक समद्विभुजी त्रिभुज है। सबूत, क्योंकि BE AC ते लंब है जो कि सानू दिता है, ता इस तों भाव इथे कोण AEB
बराबर होगा 90 डिग्री दे अते सी एफ ए बी ते लंब है जो कि सानू दिता है ता इस तों भाव कोण ए एफ सी बराबर होगा 90 डिग्री दे ता इथे कोण ए ई बी बराबर है 90 डिग्री अते कोण ए एफ सी बराबर है 90 डिग्री इसलिए असी कह सकते हैं कि कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी दे क्योंकि यह दोवें ही 90 डिग्री दे बराबर हैं। हुन इथे त्रिभुज ए बी ई विच कोण ए बी ई चमा कोण ए ई बी चमा कोण ए बराबर है 180 डिग्री दे क्योंकि असी जानते हाँ कि त्रिभुज ते तिन्ना कोणा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है ता इस तों भाव इथे कोण ए बी ई चमा 90 डिग्री चमा कोण ए बराबर होवेगा 180 डिग्री दे क्योंकि कोण ए ई बी बराबर है 90 डिग्री दे जो कि असी पहला सिद्ध कर चुके हाँ ता इस तो भाव कोण ए बी ई जमा कोण ए बराबर होवेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ता इस तो भाव कोण ए बी ई जमा कोण ए बराबर 90 डिग्री दे ता इस तो भाव कोण ए बी ई बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए दे इसी तरह त्रिभुज ए सी एफ विच असी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ए सी एफ बराबर होगा 90 डिग्री माइनस कोण ए दे ता इसलिए इथे असी कह सकते हाँ कि कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ए सी एफ दे उन त्रिभुज ए बी ई अते त्रिभुज ए सी एफ विच कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ए सी एफ दे जो कि असी ऊपर सिद्ध कर चुके हाँ।
BE बराबर है CF दे, जो कि सानू देता है 1 AEB बराबर है 1 AFC दे, क्योंकि यह दोवें ही कोण 90 डिग्री दे हन। तो इतने त्रिभुज ABE अते त्रिभुज ACF विच इना दे दो संगत कोण बराबर हन अते इना कोणा विचकार दी भुजा भी बराबर है। तो इसलिए असी कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE त्रिभुज ACF दे सर्बांगसम है। कोण भुजा कोण भाव ASA सर्बांगसमता सिद्धांत राही ता इथे त्रिभुज ABE त्रिभुज ACF दे सर्बांगसम है। ता इस तो भाव AB बराबर होवेगी AC दे, क्योंकि यह दोवें सर्बांगसम त्रिभुजां दीयां संगत भुजावां हन, भाव इसलिए यह बराबर होणगीआं, क्योंकि सर्बांगसम त्रिभुजां दे संगत भाग बराबर हुंदे हन अते इस नूं असी CPCT नाल दर्शाउंदे हां। ता हुण त्रिभुज ABC विच इसदी भुजा AB बराबर है भुजा AC दे, ता इसलिए असी कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विभुजी त्रिभुज है जिस विच भुजा AB बराबर है भुजा AC दे। ता इथे त्रिभुज ABC एक समद्विभुजी त्रिभुज है, जो कि असी सिद्ध करना सी। इस एपीसोड विच तुसी कोण भुजा कोण भाव ASA सर्बांगसमता सिद्धांत बारे सिख्या है। इस अनुसार जेकर एक त्रिभुज ते दो कोण अते उना विचकारली भुजा दूजी त्रिभुज ते दो कोणा अते उना विचकारली भुजा दे बराबर होवे ता ए त्रिभुजा सर्बांगसम हुंदियां हन। इस एपीसोड विच तुसी त्रिभुजा दी सर्बांगसमता लई कोण भुजा कोण भाव ASA सिद्धांत बारे सिख्या है। उम्मीद करदा हाँ तुहानू एपीसोड पूरी तरह समझ आ गया होवेगा।